आइए आज हम इस वीडियो के जरिए घर बैठे मेंस हेयर कट करना सीखेंगे और वो भी कुछ ही टूल की मदद से हम ये कर पाएंगे। स्क्रीन पर दिखाए गए टूल की मदद से आज हम हेयर कट कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हमने वस्त्रा लिया है और ट्रिमर लिया है। आप लोगों के पास इनमें से जो मौजूद हो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखना शुरू करते हैं। हमने यहाँ क्लाइंट को एप्रन पहनाया है, लेकिन आपके पास एप्रन नहीं है तो आप कोई भी टॉवेल यूज कर सकते हैं। स्टेप वन, अगर आपके पास सेक्शन क्लिप है या आपके घर में कोई भी क्लिप दस्तियाब है तो आप उसकी मदद से सेक्शन बना लें। बालों को गीला करने के बाद हम हेयर कट शुरू करेंगे। आपको आपके लेफ्ट हैंड में कॉम्ब पकड़ना है और राइट हैंड में सीजर पकड़नी है। आप नीचे के तरफ के बालों से हेयर कट करना शुरू करें। जितनी लेंथ क्लाइंट को चाहिए उतनी लेंथ तक आप हेयर कट करें। आप उसी को गाइडलाइन लेते हुए कॉम्ब ऊपर की तरफ ले जाएं और कंघी और सीजर की मदद से बाल कट करते जाएं। कनपट्टी की तरफ से हेयर कट शुरू करें और वहां से शुरू करते हुए पीछे की तरफ आएं। बालों को इसी तरह से कट करें जिस तरह हमने कनपट्टी के बालों को कट किया है। नीचे की तरफ से बालों की गाइडलाइन लेते हुए ऊपर की तरफ बालों को कट करें। शायद आप उतनी स्पीड से बाल कट नहीं कर पाएंगे जितनी कटिंग स्पीड स्क्रीन पर दिखाई गई है। आप आहिस्ता आहिस्ता कट कर सकते हैं। ख्याल रहे आप जल्दी जल्दी हेयर कट ना करें, उससे आपकी उंगलियों पर कैंची लग सकती है। हमने कनपट्टी के ऊपर और पीछे के बाल कट कर लिए हैं। इसी अमल को राइट साइड की कनपट्टी के बाल काटने के लिए भी रिपीट करें। पूरे बाल कट करने के लिए आपको 7 से 10 मिनट का वक्त लग सकता है। ख्याल रखें कि पूरे बाल एक ही साइज के कट होने चाहिए।
बालों की कटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको उन बालों को शेप देना है जो कि हम कनपट्टी के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। कनपट्टी से होते हुए ये शेप हम कानों के पीछे तक लेकर जाएंगे। उसके बाद गर्दन की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेगा और ये दूसरी तरफ की कनपट्टी तक ले जाकर खत्म होगा। सब तरफ के बाल कट जाने के बाद हमें ऊपर की जानिब के बाल कट करने हैं। उसके लिए उन बालों को गीला करें। ऊपर की जानिब के बाल कट करने के लिए एक सेक्शन निकालें और क्लाइंट की चाहत के लिहाज से बालों की लेंथ को कट करें। उसी लेंथ को गाइडलाइन मानकर पीछे के बालों को कट करें। आप ऊपर की जानिब के बालों को जांच लें कि वो ढंग से कटे हैं या नहीं। इसके लिए आपको 3 से 5 मिनट का वक्त लग सकता है।